तो अब हमारा क्या आएगा, एंगल ए हमारा नहीं दिया हुआ है प्लस एंगल बी हमारा 60 डिग्री है और सी सी के जगह पे हम क्या करेंगे डी लिए हुए हैं, तो यहाँ पे डी हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस ये 150 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब हमारा एंगल ए 30 डिग्री हो गया। मतलब लिख सकते हैं कि बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो साइन का क्या बताए थे पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच और टेन का P by B। तो आप समझ गए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। इसी पे हमें तो अभी पहले हम 60 का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, किसका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहां पे क्या होगा कि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो क्या आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा रूट थ्री ए निकाले हैं हम, तो रूट थ्री और ए बाई हाइपोटेनस हमारा टू ए दिया हुआ है, ए कैंसिल करेंगे और रूट थ्री बाई टू वैल्यू आ जाएगा। अब आपको याद नहीं करना है, बहुत दिनों से आप याद करते थे परेशान थे कैसे सॉर्ट आउट होगा, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं करना है, बस उसे अपने दिमागों में रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि कॉस 60 डिग्री इसका वैल्यू क्या आएगा। तो कॉस 60 डिग्री अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बी बाई एच। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं टी रेशियो का, उसमें सारा बेसिक यानी स्टार्टिंग क्लासेस दिया हुआ है इंट्रोडक्शन से लेकर, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे ट्रिगोनोमेट्री का लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करके एक बार देख लेंगे। अब कॉस 60 डिग्री में क्या देता है कि बी, तो हमारा बी दिया हुआ है ए बाई हमारा हाइपोटेनस 2a, कैंसिल करेंगे तो देखिए आपके पास 1/2 आ चुका है। अब कोई भी पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, आप तुरंत बोलेंगे 1/2। अब आता है tan 60 डिग्री, तो यहां पे p by b होता है, p हमारा कितना दिया हुआ है तो रूट थ्री ए और b हमारा कितना है तो सिर्फ a दिया हुआ है, कैंसल करेंगे मतलब कि हमारा tan 60 डिग्री कितना आएगा रूट थ्री। एकदम सिमिलरली एज यूजुअल बस उसी तरह से यहां पे साइन 60 है तो अब हम साइन 30 करेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा तो साइन 30 इज इक्वल टू, तो अब यहां पे आपको देखना होगा कि जब हम एंगल यहां से लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो अपना जगह बदल देता है, अब हमारा बीडी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां भी पी बाई एच होगा कॉस 30 डिग्री, यहां भी बी बाई एच होगा और टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी होगा। अब आप इसे घर पे वैल्यू पुट करके बना लेंगे, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके आप हमारा कैलकुलेशन जरूर देख ले। तो P का वैल्यू हमारा क्या हो गया A हो गया, तो A और उसके बाद H हमारा क्या हो गया तो H सेम वही रह जाता है तो 2A हो जाएगा, फिर से कैंसिल करेंगे तो 1/2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कॉस 30 डिग्री, तो कॉस के लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगा तो अब बी, तो बी हमारा रूट थ्री ए बाई एच वही रह जाता है, कट करेंगे कैंसिल कर देंगे रूट थ्री बाई टू। अब टेन 30 डिग्री सिमिलरली वही काम हमें इसे भी करना है, अब हम क्या करेंगे टेन 30 डिग्री में P और B का वैल्यू बैठाना है, तो P हमारा अभी फिलहाल क्या है 30 डिग्री पे A आ जाएगा
और b हमारा रूट थ्री ए हो जाएगा। अब a a कैंसिल करेंगे, 1/√3 लगा ना आपको इजी। अब आप टी रेशियो में सारा कुछ समझ चुके हैं, आज हमने बता दिया आपको 30 एंड 60 के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 45, 0 और 90 के बारे में। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाएं और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अभी के लिए बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट।